बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल सऊदी एम्बेसी में वीज़ा क्राइसिस चल रहा है। इस वीज़ा क्राइसिस की मालूमात हम आपको देने जा रहे हैं, गुज़िश्ता हफ्ते क्या सूरत हाल रही और आने वाले हफ्ते में क्या सूरत हाल रहेगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी एम्बेसी कराची कौंसलेट में कोटा सिस्टम लागू है। आजकल एक दिन में 30 पासपोर्ट जमा हो रहे हैं। 30 पासपोर्ट का मतलब है तकरीबन 1500-1600 पासपोर्ट पर डे जमा हो रहा है, और अगर वीकली बात की जाए तो 5 डेज वर्किंग है, तो 5 डेज वर्किंग के हिसाब से 5 से 6 हज़ार पासपोर्ट स्टैम्प होता है। लेकिन पहला हफ्ता था ईद के बाद जो प्रॉपरली वर्क हुआ, और इसमें भी एक दिन मंगल वाले दिन सऊदी एम्बेसी ने काम बिल्कुल भी नहीं किया। काम ना करने की वजह से प्रेशर मजीद बढ़ गया। अब ये नहीं समझ आ रही, एक तो कोटा लगा हुआ है, कोटा लगने के बाद भी एक दिन काम ना करना, वो भी प्रॉपर वर्किंग डे वाले दिन, ये समझ से बाला तार है। हफ्ता त्वार छुट्टी होती है, 5 वर्किंग डेज होते हैं, 5 में से 1 उन्होंने खुद खा लिया तो पीछे 4 वर्किंग डेज रह गए। अब उम्मीद की जाती है कि नेक्स्ट वीक में सूरत हाल बेहतर होने के चांसेस तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलरेडी 15 से 20 हज़ार पासपोर्ट एम्बेसी के बाहर वीजा स्टैंपिंग के इंतजार में है। हजारों लोगों के पासपोर्ट मेडिकल एक्सपायर हो चुके हैं, लाखों रुपए का नुकसान उन अफराद को हो चुका है। उन अफराद के साथ जो एजेंसी होल्डर अफराद है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस प्रेशर की सूरत हाल में पिस कौन रहा है? कॉमन प्रमोटर, छोटा प्रमोटर जो प्रोसेसिंग करता है। बड़ा प्रमोटर लाखों रुपए रिश्वत देते हैं, अपना वीज़ा लगवा देते हैं, उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आ रही। हमने देखा है जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं, जितने भी बड़े प्रमोटर्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, छोटे प्रमोटर्स को कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर हम इसी असना में नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं, तो नेक्स्ट स्टेप में जो सबसे गंभीर सूरत हाल पैदा हो रही है वो हो रही है रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो कहता मैंने तो रिश्वत ली ही नहीं, ड्रॉप बॉक्स वाला कहता मैंने 1 रुपया नहीं लिया, आपका टॉनी होल्डर ले रहा है। ये बात समझ से बालता रहे कि पैसे कौन खा रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो खा रहा है। इस चीज़ का सद्देबाब होना चाहिए और चेयरमैन प्यूपा को ये देखना चाहिए। चेयरमैन प्यूपा भी सब ठीक है क्या राग अलाप रहा है, जिस तरह पूरे मुल्क में चल रहा है कि सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक है, ये भी कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन हकीकत में कुछ भी ठीक नहीं है। परेशानी बढ़ रही है, वीज़ा नहीं लग रहा। कोई भी सऊदी एम्बेसी को इस बात पे कन्विंस करने पे कायल ही नहीं हो सका कि 50 या 50 से ज़्यादा का कोटा शुरू कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा उनको कह दिया है कि कोटा 50 या 50 से ज़्यादा का कर दिया जाए। एक्चुअल में कोटा होता है क्या है? एक ड्रॉप बॉक्स, एक ऑथराइज पर्सन है, उसको कह दिया जाता है कि आप पर्सन हो, तकरीबन आप 50 पासपोर्ट मैक्सिमम सऊदी एम्बेसी में जमा करवा सकते हो आपके बिहाफ पे। इसी तरह के ये 65 से 70 के करीब ड्रॉप बॉक्स है जिनके अंदर ये पासपोर्ट जमा होते हैं पर डे। 5 वर्किंग डेज होते हैं, एक्सेप्शनल कोई सऊदी एम्बेसी किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगा दे उनके ऊपर। इसका मतलब एक दिन में 1400-1500 पासपोर्ट डेली जमा होता है, लेकिन इनमें से मैक्सिमम पासपोर्ट खांचे पे लग रहे हैं, रिश्वत लेके लग रहे हैं। रिश्वत के बगैर पासपोर्ट जमा करना मुहाल हो गया है। इस रिश्वत के बाजार को खत्म करने के लिए हमारी चेयरमैन प्यूपा ओवरसीज मिनिस्ट्री से गुजारिश है कि आप इसका कुछ सद्देबाब करें और आम आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह आज इसी किस्म की मजीद प्रॉपर वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लेके हम आपके साथ आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हम इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करें तो इस्लामाबाद एम्बेसी में प्रॉपर रूटीन से वर्क जारी है, उसमें किसी भी किस्म का ना डिले है, ना कोटा है, ना किसी किस्म की कोई परेशानी का मसला है। अगर आप जल्द वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद का वकाला बनवाएं, जल्द अज जल्द आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। कराची एम्बेसी में ही मिसाइल है, लेकिन इस्लामाबाद में कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली कराची से, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते में बेहतरी आएगी और बेहतरी आती जाएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।